हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। तो वहीं गोहाना में प्रदेश भर के फल और सब्जी मंडी व्यापारी जो है इकट्ठा हुए, क्योंकि कोरोना काल में सरकार ने जो इन लोगों पर 2% अतिरिक्त टैक्स लगाया था, जिसके चलते प्रदेश भर में सब्जी मंडी व्यापारी सरकार के इस फैसले से काफी नाराज हैं। सब्जी मंडी व्यापारियों ने अपनी इसी मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। सब्जी मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार ने कोरोना के समय उन पर 2% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया, जो कि सरासर गलत है। व्यापारियों ने कहा कि हमारी एक ही मांग है कि ये प्रतिशत टैक्स वापस लिया जाए। हमारा मिशन जो कोरोना काल के अंदर हमारे ऊपर सरकार ने 2% जो मार्केट फीस लगाई थी उसको समाप्त करने के लिए हमारे सभी हरियाणा के हमारे 38 साथी, हमारा हरियाणा मंडी एसोसिएशन और हमारे जो भी प्रधान साहिबान सभी ने यहाँ हिस्सा लिया और उसके ऊपर सरकार को हमने एक अपील की, जल्दी हमारे ऊपर करट आएगी। आगामी रणनीति क्या रहेगी आपकी, क्या सरकार नहीं सुनती तो क्या करोगे? हमारा जो आज मोमेंटो है, हम एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को पहुंचाया है। हम इसका 10 दिन के तक इंतजार करेंगे, उसके बाद अगर हमारा कोई जवाब नहीं आया तो फिर हम प्रदेश के अंदर हमारी पूरे मंडियों की मीटिंग बुलाकर और जो प्रदेश की कार्यकारिणी, जो हमारे मंडियों के प्रधान, जो भी बड़ा फैसला लेंगे। अब हमारा जो भी फैसला होगा वो सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा,